बोकारो न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में कई तरह के मामलों का निष्पादन हुआ। कुल 300 मामलों का निष्पादन करते हुए 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इसी अदालत में 5 वर्षों से अलग रह रहे विवाहित जोड़े को सहमति से घर भेज दिया गया। इस फैसले के बाद दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए लोक अदालत की सराहना की है। न्यायिक मामले के निष्पादन के लिए कुल 11 बेंच बनाए गए थे, जिसमें न्यायाधीश की मौजूदगी में दीवानी, पारिवारिक, लेन देन समेत मामलों का निष्पादन किया गया। ऋण संबंधी मामले के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा 1 दर्जन से अधिक काउंटर लगाए गए थे, जिसमें ऋण संबंधी मामलों का निष्पादन हुआ। वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सब्बीर SPP मरुगन के द्वारा 1 लाभुक को 8 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज और SP द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन लोगों ने लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कहाँ आए थे आज? आज कहाँ आए थे? क्या हुआ है? कितना खुश है? पारिवारिक टेंशन था। क्या नाम है? क्या हुआ था? पारिवारिक तो प्रॉब्लम था, लड़ाई झगड़ा हो गया। कितने दिन से? फिर क्या हुआ? देखिए, आज के लोक अदालत में हमें उम्मीद है लगभग 300 से ज्यादा केस हमारे वो डिस्पोजल होंगे जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, और लगभग 1.5 से 2 करोड़ बैंक की रिकवरी होगी पैसे की, जो लोन का अमाउंट है, ऑटो लोन है, कार लोन है, और बाकी जो हाउस लोन के केसेस हैं, पर्सनल लोन के हैं, और इसके अलावा एक्साइज के, फॉरेस्ट के, और दूसरे जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, कंप्लेंट केस वगैरह, उनका डिस्पोजल लगभग 300 से 2 करोड़ बैंक का रिकवरी, और बैंक के केस भी लगभग 1000 प्लस में डिस्पोजल होगा हमारा। और पिछले बार से इस बार हमारा डबल टारगेट है जो हम लोग लेके चल रहे थे, वो अचीव होगा हमारा इस बार। सबरंग समाचार के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।